यस चेक कर लीजिए एक बार, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है क्या? क्लियर, गुड। शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जैन बेटा शेयर कर लीजिए सभी लोग अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो सारे बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि क्लास शुरू हो गई है। चलिए शुरू कर देते हैं हम लोग। क्लास को शेयर कर लीजिए सभी लोग, ताकि सभी बच्चों को ये जानकारी पहुंच जाए कि क्लास शुरू हो चुकी है। जय हिंद बेटा। फास्ट हम लोग एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं अपने रिजल्ट्स का, ताकि हम लोगों को जो एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है वो मिले, मोटिवेशन। जब ये बच्चे स्टूडेंट, ये सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप लोग भी कर सकते हैं। तो देखिए, रिजल्ट इज द नेम ऑफ गेम, इस कॉन्सेप्ट को समझिए आप। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जैसे आपके 24 आवर्स आप पूरे कंप्लीट करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, एंड ऑफ द डे पर जब आप सोने जाते हैं तब आपको जो है पूछना चाहिए अपने आप से कि आज हमने क्या क्या किया, है ना, क्या क्या पढ़ाई की, क्या क्या पढ़ाई की, मैथ्स में क्या पढ़ा, है ना। फिर उसके बाद आपका जो है जीएटी, तो जीएटी के आप बिल्कुल सिस्टमेटिक पार्ट्स बनाइए, ठीक है। जीएटी में आपने इंग्लिश में क्या पढ़ाई की, फिर उसके बाद आपका जैसे साइंस है, है ना, फिर उसके बाद आपका जैसे जनरल स्टडीज है, जो भी है, तो ये सारी चीज़ों को आप व्यवस्थित बनाइए। और एंड ऑफ द डे पर आपको ये पूछना जरूरी है अपने आप से। हम जनरली अपने आप को फेस नहीं करना चाहते कि आज हमने हमारा दिन कैसे वेस्ट कर दिया, हमने टाइम को कैसे वेस्ट कर दिया। ये जनरली होता है, हर किसी के साथ होता है, ऐसा केवल आपके साथ हो रहा है ऐसा नहीं है, सभी के साथ होता है ऐसा, ठीक है ना। तो हर कोई अगर हम ये ध्यान रखने लग जाएं कि रिजल्ट क्या है हमारे आज के दिन भर का, तो धीरे धीरे वीक का क्या रिजल्ट है, मंथ का क्या रिजल्ट है, और ईयर्स का क्या रिजल्ट है, ये हमें पता चलता है। तो ये एक प्रॉपर एजुकेशन है जो हमें लेना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोर्स की डिटेल्स देखते हैं। ये जो आप कोर्स देख रहे हो, ये बेसिकली एनडीए के लिए तैयार किया गया कोर्स था, ठीक है, जो 19th ऑफ अप्रैल को होने वाला था, उसके लिए ये तैयार किया गया कोर्स है। तो उसी के हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं यहाँ पर। मेरा नाम यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, माय नेम इज जितेंद्र दवे, ऑल इंडिया 27th रैंक एमसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, एमएससी मैथमेटिक्स बेसिक एजुकेशन है मेरा। एमएससी मैथमेटिक्स मतलब आप समझ सकते हैं मैथ्स में मास्टर्स डिग्री, है ना। और टॉप रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, स्पर्श कनकर ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, ही इज माय स्टूडेंट। इसी तरह की टॉप रैंक आपको भी लगानी है, ये बात तय है कि अगर आप मेरे साथ रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये जरूर होगा।
हाँ टाइम वेस्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम प्रायर प्लानिंग नहीं करते, क्यों? क्योंकि मैंने आपको 6P प्रिंसिपल बता रखा है पहले, कि 6P प्रिंसिपल क्या होता है ना, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, ये 6P प्रिंसिपल होता है, इसको आप हमेशा ध्यान रखें। आपको शाम अगर मान लीजिए 5 घंटे की पढ़ाई करनी है आपको, तो 5 घंटे को प्लान पहले से करो, ताकि आपका माइंड आपको यहाँ पर कंसिस्टेंटली बताए कि हाँ भाई जो है रात को 8 बजे या 9 बजे, जैसे मान लीजिए आपने 9 बजे से आपने तैयारी करना शुरू करनी है, तो 9 से 3 12 और 2 है ना, तो 2 बजे तक आपने मान लीजिए पढ़ाई करनी है, तो आपने पहले से इंस्ट्रक्शन देना होगा कि मुझे ये टाइम पर पढ़ाई करनी है, उसके बाद इसके डिविजन्स बनाइए कि मैथ्स में क्या पढ़ना है, ठीक है? और होता है लास्ट में कंप्लीट तो डन लिखिए, और नहीं होता है तो नॉट डन लिखिए। आप केवल इतना कीजिए, इससे भी आपको फर्क पड़ेगा। कंप्लीट कर लो तो डन लिखो, नहीं करो तो नॉट डन लिखो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। नहीं बेटा आदर्श ठाकुर, मैं आपको एक बात कहूंगा, जब तक आप मेरे साथ प्लस पे नहीं जुड़ेंगे तब तक कंप्लीट प्रिपरेशन मैं नहीं मान सकता, कंप्लीट प्रिपरेशन मैं नहीं मान सकता, ठीक है ना? हाँ क्यों? क्योंकि आपको फुल कोर्स स्लोली धीरे धीरे प्रॉपर टेस्ट है ना, फिर एनालिसिस टेस्ट का, फिर आपके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करना, ये सारे जो प्रॉपर तरीका होता है, ये जब तक पूरा नहीं होगा तब तक नहीं होगा बेटा आदर्श, है ना? ऐसे केवल आप सोचोगे कि यूट्यूब में आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे है ना तो आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ये होती है सारी फ्री क्लासेस, और जब हम फ्री क्लासेस लेते हैं या कुछ भी हमें जो फ्री मिलता है, हम उसकी वैल्यू नहीं करते बेटा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, व्हेन यू पे सम अमाउंट यू ऑल्सो पे अटेंशन, ठीक है? इस बात को आप कभी नहीं भूलना बेटा, कि अगर आप जो है, अगर आप, हाँ सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ पे करते हो तो आप अटेंशन भी पे करते हो, और अटेंशन जब आप पे करते हो तो एक्शन लेना शुरू कर देते हो, और व्हेन यू टेक एक्शन तो वो धीरे धीरे वर्क में रिजल्ट में कन्वर्ट होने लग जाता है, और हम देखते हैं कि रिजल्ट्स बड़े बड़े बनने लग गए। यहाँ देख सकते हैं हम लोग गजराज सिंह ऑल इंडिया 8th रैंक, अंकित कृष्णिया, हिमांशु यादव टॉप रैंक हैं, ये सब ऑल इंडिया 27th रैंक आप देख सकते हो। मनमोहन यहाँ पर है ना, तो इस तरह के और भी बड़े बड़े रिजल्ट्स, नवीन चौधरी, नितिन, काफी सारे रिजल्ट्स, सोनम कुमार, ये भी एक बड़ा रिजल्ट है। और इसके बाद आप देखें तो ये है 2019 NDA 2 के रिजल्ट्स, ठीक है ना? आकाश, आशुतोष, धर्मेंद्र, प्रणीत, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। कुलदीप सिंह है ना, प्रवीण कुमार राज, और ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स, शुभांशु, सुरेंद्र, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा है बेटा वहां पर, है ना? डिफरेंशियल वहां पर चल रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि माइंडसेट कैसे तैयार किया जाए। जो लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं प्लस पे, वो लोग इस बात का एहसास कर चुके होंगे कि डेली जब मैं 2 घंटे की क्लास ले रहा हूँ तो उसमें हम काफी सारे क्वेश्चन करते हैं, थ्योरी कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है ना? थ्योरी कॉन्सेप्ट सीखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, और उसके अलावा वहां पर काफी सारी बातें होती हैं जो कि हमें मोटिवेशन, प्रॉपर डायरेक्शन, ये सब प्रोवाइड करती है ना? तो अगर आप लोग मेरे साथ प्रॉपर वे में जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा बेटा, प्लस सब्सक्रिप्शन लो। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको ये रेफरल कोड यूज करना है विथ न्यू मोबाइल नंबर। मैं क्यों कहता हूँ बार बार के न्यू मोबाइल नंबर, न्यू रजिस्ट्रेशन आपको क्यों कहता हूँ, इसका सिंपल सा कारण है कि जब आप किसी भी नए मोबाइल नंबर से लॉग इन करते हैं, ठीक है ना, और वहां से आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन का डिटेल हमें भी मिलता है कि आपने सब्सक्रिप्शन लिया, तो उससे क्या फायदा मिलता है हमें, कि हमें अनएकेडमी के प्लेटफॉर्म पर हमारी गुडविल बढ़ती है, जैसे कि हम आप लोगों के लिए जो है, हाँ ठीक है ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग आपके लिए फ्री क्लासेस कर रहे हैं इतनी सारी, जिसमें आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है काफी सिस्टमेटिक वे में, ठीक है? तो आप लोगों को आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि टीचर्स की भी कुछ गुडविल बढ़े, उसको भी टीचर को भी जो है बेनिफिट मिले, अनएकेडमी के प्लेटफॉर्म पर नाम बने उनका भी। तो इसके लिए आपको न्यू मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, लॉग इन करना चाहिए, और ये आप कोड यूज कीजिए, आपको 10% वहां पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है? 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ज्यादा बेहतर है कि आप मेरे साथ प्लस पे जुड़े। प्लस पे जुड़ने का आपको पता है कि काफी सारी फायदे हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक तो वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात है रेगुलर वहां पर टेस्ट होती है, जैसे कि अभी वीकली टेस्ट आने वाली डिफरेंशिएशन की, ठीक है? उसके बाद आप संडे जो टेस्ट होता है, वो संडे का टेस्ट भी मैं खुद ही बनाता हूँ। संडेज में जो टेस्ट होते हैं वो खुद मैं बनाता हूँ आपका, है ना? जो 2 बजे आपका एक मैथ्स का टेस्ट होता है, आपको पता है ये हर संडे होता है,
2 घंटे और 30 मिनट का ये टेस्ट होता है 2 से 4:30 तक। तो ये रेगुलर टेस्ट है, ठीक है, ये जो टेस्ट है ये क्या है, रेगुलर टेस्ट है, ये रेगुलर होता है टेस्ट और हर संडे को होता है। ये मैं खुद बनाता हूँ इस टेस्ट को, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। dy by dx और इक्वल टू साइन, ये दो जहां नजर आ गए डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। dy by dx और इक्वल टू साइन जहां नजर आ गए वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल यहां पर लेता हूं, 2 times dy by dx plus y square equals to 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। d2y by dx square plus y dy by dx प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आया है ना, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। तो बात आती है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, वो है एक क्वेश्चन जो है एनडीए में बिल्कुल तय मान के चलो पूछा जाता है, कम से कम एक क्वेश्चन यहां पे मुझे लिखना चाहिए, कम से कम एक क्वेश्चन, ठीक है, कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है यहां पर, इस बात को आप याद रखें, ठीक है, कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हाँ ठीक है विकास, है ना, प्लस पे जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, अगर वो यहाँ पर नहीं भी जुड़ते हैं तो कोई विषय नहीं है, लेकिन जैसे क्या होता है कई बच्चों का ऐसा रहता है ना, जैसे कि मान लीजिए मैं वहां पर डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ और डिफरेंशिएशन की उनकी अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छा कमांड है उनका, तो वो चाहते हैं कि साइड बाय साइड वो एक एडिशनल चैप्टर भी करें, ठीक है, साइड बाय साइड वो लोग ये चाहते हैं कि एडिशनल चैप्टर भी करें, तो इसलिए वो लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़ते हैं तो उनको फायदा मिलता है, ठीक है। हाँ अमन का भी लगाते हैं बेटा फोटो, ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया। कई सारे बच्चे हैं बेटा, पी निखिल है, अमन है ना, और भी कई बच्चे हैं जिनके फोटोग्राफ्स लगाने हैं यहाँ पे, देखता हूँ कोशिश करता हूँ अपडेट करने के लिए। विकास का रिप्लाई कर दिया बेटा मैंने, है ना, जो लोग प्लस पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं 2 घंटे की रोज मेरी क्लास ले रहे हैं, नो डाउट उस चैप्टर को वो फोकस करें, लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी मेरे से 3-4 महीने 5 महीने 6 महीने से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों की काफी सारे चैप्टर्स पर कमांड हो चुकी है, तो वो जस्ट रिवीजन चाहते हैं किसी भी चैप्टर का पर्टिकुलर का। एक्चुअली ये जो मैंने कोर्स बनाया हुआ था, ये कोर्स बनाया हुआ था 19th of April के लिए, ये जो आप YouTube में क्लासेस देख रहे हैं ये 19th of April को डिसाइड करके बनाई गई थी कि वहां पर हर चैप्टर का एक दिन में मुझे रिविजन करना है। इसके साथ बैक टू बैक आपको मैंने 2:30 पर एक क्लास रखी हुई थी, ठीक है, स्पेशल क्लास थी, वो भी स्पेशल क्लास थी, और एक इसके बाद 4 बजे भी स्पेशल क्लास रखी थी मैंने। ये सब पहले का शेड्यूल बता रहा हूँ, जबकि ये डिक्लेयर नहीं हुआ था कि एनडीए पोस्टपोन होगा, ठीक है ना, जब ये डिक्लेयर नहीं हुआ था कि एनडीए पोस्टपोन होगा तब की बात है ये, लेकिन चूंकि एनडीए पोस्टपोन हो गया तो मुझे फिर यहाँ से इसको मॉडिफाई करना पड़ा, लेकिन ये शेड्यूल जो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी ये पूरा पहले से बन चुका है, इसलिए इसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। तो अब मैंने क्या किया हुआ है कि एटलीस्ट बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए मैंने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे टॉपिक है तो इसके साथ 2:30 पर मैंने एक क्लास भी रख दिया, तो एटलीस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के काफी सारे कॉन्सेप्ट बच्चे के रिवाइज हो जाएं, जिन लोगों को ये चैप्टर ऑलरेडी आता है, ठीक है। ना बेटा देखो, जो है प्लस पे जो चीजें चल रही हैं वो प्लस पर ही पूरी होंगी, ठीक है, उसको मैंने YouTube पर कनेक्ट नहीं किया हुआ है। YouTube पर जो चल रहा है वो केवल और केवल स्पेशल क्लास के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, जो चीजें YouTube पर चल रही हैं वो स्पेशल क्लास के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा वीक हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वीक है, तो उन लोगों के लिए YouTube और स्पेशल क्लास दोनों मिला के जितना बेस्ट हम लोग उनकी जो है मतलब डाउट्स क्लियर कर सके, उनकी हेल्प कर सके, ये बेसिक चीज है वहां पर, ठीक है। तो अब पूरी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, तो जिन लोगों को लग रहा है ऐसा कि हमें ये चैप्टर्स करने चाहिए साथ में, तो मेरे साथ YouTube पर भी जुड़े और प्लस पर भी जुड़े, और जिन लोगों को लगता है कि नहीं हम केवल प्लस पर जुड़कर ही सर के साथ जो चैप्टर चल रहे हैं वही हम स्लो स्लो चलते जाएंगे, तो भी ठीक है।
हाँ ये बात तो सही है। हाँ बेटा पूरा कोर्स आएगा शिवा, फुल कोर्स आपके लिए मैं प्लान करूंगा, ठीक है ना, एक के बाद एक सारा कोर्स आएगा, पूरा फुल कोर्स। प्लस पर नया कोर्स शुरू हुआ है तो पूरा कोर्स कराऊंगा मैं वहां पर, ठीक है, उसके लिए निश्चिंत रहो आप लोग, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं हम लोग ऑर्डर, और दूसरी है बात डिग्री की। ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री, इस चीज को हमें केयर करनी है। ऑर्डर और डिग्री क्या होता है इसको हमें समझना है। तो मैं आपको यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री का एक सिंपल सा बेसिक सा मीनिंग बता देता हूँ। ऑर्डर का मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है, और डिग्री का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। और यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया है, जैसे 1 टाइम डिफरेंशिएशन, 2 टाइम डिफरेंशिएशन, 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन, ठीक है, इस तरह की बात है। तो ऑर्डर एंड डिग्री ये चीज आपको केयर करनी होगी, ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस के थ्रू जाएंगे, क्वेश्चंस में देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग मतलब कैसे चेक कर सकते हैं बेसिकली हम लोग, है ना। इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर बात हो रही है ऑर्डर और डिग्री की। ऑर्डर एंड डिग्री, आप देखो ये जैसे क्वेश्चन है सामने, तो इसमें क्या बता रहा है वो आपको कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पर आपको ये देखना होगा कि इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया है। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि केवल एक ही बार किया गया है ना, डीवाई बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट नजर आ रहा है। तो स्क्वायर रूट जब भी नजर आता है तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि स्क्वायर रूट नहीं चलेगा, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं चलेगा। तो फिर क्या करें, तो फिर आपको ये ध्यान रखना होगा, मैं आपको यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो ये जो आप देख रहे हो है ना, ये क्या है, एक ही बार डिफरेंशिएशन किया हुआ, लेकिन ये रूट हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये रूट हमें नहीं चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे और फिर पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, और ऑर्डर वन की पावर जो है 2 यहां भी मिलेगी और लेफ्ट साइड में भी मिलेगी। मतलब ये हुआ कहने का कि सिंपल सी बात है कि ऑर्डर, सॉरी यहाँ पर ऑर्डर जो है वो 2 हो जाएगा, सॉरी ऑर्डर 1 हो जाएगा और डिग्री हो जाएगी 2, ऑर्डर 1 डिग्री 2, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा 1 और डिग्री क्या होगी 2, ऑर्डर 1 डिग्री 2, क्लियर है, सबको समझ में आ गया। ऑर्डर पहले पूछा था इसने आपसे और डिग्री उसके बाद पूछी थी, ये ऑर्डर और डिग्री ये पूछ रहा था आपसे। तो जो ऑर्डर होगा क्या 1 और डिग्री होगी क्या 2। तो ऑर्डर और डिग्री क्लियर हुआ सबको, ऑर्डर और डिग्री क्लियर हो गया सबको अच्छे से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब इसी को देखें, जैसे नेक्स्ट को यहां पर क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझें आप लोग। इसमें क्या कह रहा है ध्यान से समझें आप इसको। ऑर्डर बोल रहा है ये, है ना, ऑर्डर की बात कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है, चलिए तो ऑर्डर की बात कर रहा है आपसे, ये ऑर्डर बताओ क्या होगा। तो क्या बोल रहा है जरा पहले समझ लेते हैं हम लोग इसको। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन कंटेनिंग 4 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। तो आपको मैं एक बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता दूं कि जितने होते हैं आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स उतनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो अगर कहा गया है कि 4 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं, क्या कहा गया है कि 4 आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपको जो है डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 4 टाइम्स, नंबर ऑफ जो है यहाँ पर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग ही आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। क्लियर हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो है, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बन जाएगा 4।
क्लियर हुआ सबको समझ में आ गया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस अगले क्वेश्चन को देखिए अब आपको ध्यान से। अब यहां अगर आप गौर करें तो क्या बताया गया है, ध्यान से देखिएगा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है थिंक। चलो नए सिरे से बना देते हैं इसको, कोई बात नहीं। अब ठीक है, अब थोड़ा साइज भी ठीक है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां आप देख सकते हो कि ये आया है 2/3, ठीक है। क्या आया है ये? 2/3। तो 2/3 जो है इसको हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। एक सेकंड बेटा, ये थोड़ा सा इसका पेन का साइज ठीक कर दें। अब साइज ठीक है। चलिए फिर आ गए तुम ओम जी, तुम्हें यही आता है बस ना। वाह, तुम वहीं क्यों नहीं पढ़ते बेटा, टाइम क्यों खराब कर रहे हो अपना यहाँ आके? ये कोई नहीं जाने वाले है ना, ये कोई तुम्हारी बात में आने वाले नहीं है। तुम यहाँ तो वहां के ऐसे स्टूडेंट हो जिसको पैसे मिले हैं पब्लिसिटी करने के लिए, या तुम फिजूल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना भाई? जिसको जिससे पढ़ना होता है ना वो उसी से पढ़ता है। मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। अच्छा आपने ब्लॉक कर ही दिया इसको, चलिए मैं कर देता हूँ ब्लॉक इसको। वेरी गुड, सभी लोग ओम जी यादव के नाम से जो ये आईडी से आया है बंदा, इसको आप ब्लॉक कर दीजिए। हाँ प्रचार करने वाला होगा और क्या, मार्केटिंग का कोई बंदा घर बैठ के काम कर रहा होगा, वर्क फ्रॉम होम, गेट वेल सुन, बीमार है बेचारा, ठीक है ना, गेट वेल सुन। चलो छोड़ो, तो बात है यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री की, ठीक है। हाँ ब्लॉक कर दिया, मैंने भी कर दिया ब्लॉक उसको। चलो ऑर्डर और डिग्री की हम बात कर रहे थे। यहां पर आप देखो 2/3 आया है, ये नहीं चलेगा, 2/3 आया है ये नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। थोड़ा समझना ध्यान से आप लोग, होल स्क्वायर सॉरी होल क्यूब करेंगे। तो जब मैं होल क्यूब करूंगा इसका, तो ये 3 पावर आ जाएगी यहाँ पर, और ये भी 3 पावर होगी। तो ये जो है पावर की पावर होने की वजह से ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब आप देखो ऑर्डर कितना दिखाई दे रहा है अब आपको, अब आपको इसमें ऑर्डर समझ आ गया होगा। क्या दिखाई दे रहा है ऑर्डर आपको? हाइएस्ट अरे वाह, ये बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, ब्लॉक कर दीजिए इसको। ओम जी यादव जो है बेचारा गरीब इंसान है, इसके पास, हाँ मेरे पास वही स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी रैंक लगती है। वो कमी होते, तुम्हें शायद पता नहीं कि टॉपर एक ही होता है। ओम जी यादव बेचारा बीमार इंसान। ऑर्डर है 2, डिग्री है 3, है ना। ऑर्डर है 2, डिग्री है 3, ठीक है ना। ऑर्डर है 2 और डिग्री है 3। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट पावर, हाँ हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है वो, और डिग्री हो जाएगी यहां पर 3, ठीक है। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। हाँ ये एग्जाम्पल हम लेते हैं अब यहां पर, अब ये वाले क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, देखो जरा क्या कह रहा है ये आपसे कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ऑर्डर भी 1 होना चाहिए, डिग्री भी 1 होना चाहिए। ऑर्डर 1 मतलब एक ही बार डिफरेंशिएशन किया गया हो, और डिग्री मतलब उसकी पावर फिर 1 हो,
ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर हम बात करें इसको देखें तो ऑर्डर वन है, डिग्री टू है, और यहाँ पर क्या है, ऑर्डर टू है, डिग्री वन है। इसमें अगर आपने dx से डिवाइड कर दिया तो क्या बन जाएगा, dy by dx plus 1 equals to 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर भी 1 हो गया, डिग्री भी क्या हो जाएगी 1, ऑर्डर डिग्री 1 1, ठीक है, ऑर्डर डिग्री क्या है 1 1 है। क्लियर हुआ, समझ आया सबको अच्छे से, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं एक बार, पहले थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप देखो क्या कह रहा है आपसे कि ऑर्डर पूछ रहा है आपसे ना, ऑर्डर और डिग्री बताना है। हाँ जी, तो ऑर्डर और डिग्री का मतलब क्या होगा, फिर वही बात है, ऑर्डर मतलब डिफरेंशिएशन कितनी बार किया, तो दिख रहा हो तो कि एक ही बार डिफरेंशिएशन दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो ऑर्डर तो साफ साफ समझ में आता है कि ऑर्डर जो है 1 होगा, तो या तो ये या ये या ये, इन तीनों में से कोई ऑप्शन बनेगा, ठीक है, ये ऑप्शन तो नहीं बनेगा, ये बात तो आपको क्लियर समझ में आ चुकी। अब बात करते हैं हम लोग डिग्री की, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये जो है ये रूट में आया है, रूट में आ गया है, इस वजह से इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा आप लोग, ये जो अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट को आपको शिफ्ट करना होगा राइट हैंड साइड पर, ठीक है, इस अरेंजमेंट को शिफ्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड पर, तो क्या बन जाएगा, ये dy डिवाइडेड बाय dx, ठीक है, और पूरा अरेंजमेंट जो है शिफ्ट कर देते हैं dy बाय dx प्लस 7x। अब अगर मान लीजिए मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा तो dy बाय dx बचेगा केवल, तो ऑर्डर हो गया 1, लेकिन डिग्री अभी हम यहाँ पे तय नहीं कर पाएंगे, इधर से तो ठीक है रूट हट गया, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये आ जाएगा क्या, dy बाय dx होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 49x स्क्वायर प्लस 7 2 28 56 हो जाएगा, नहीं तो हाँ ठीक है 56x डिवाइड बाय, अब आपको यहां से डिग्री चेक करनी होगी, तो ऑर्डर तो 2 दिखाई दे रहा है, डिग्री हो जाएगी कितनी, ऑर्डर 2 दिख रहा है, डिग्री कितनी हो जाएगी यहां पर, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया सबको अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आपको ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन आप थोड़े थोड़े समझ में आने लगे ये कैसे करना है। मैं आपको बता रहा हूं इस क्लास के बाद आपको ऑर्डर और डिग्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका क्वेश्चन पक्की बात है कि बन जाएगा आपसे, ठीक है ना, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अगेन क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, ऑर्डर बताना है, डिग्री बताना है, ठीक है ना, तो ऑर्डर और डिग्री बताना है, तो सिंपल सी बात है, ऑर्डर तो मैं देख रहा हूं यहां पर कि 2 times डिफरेंशिएशन 1 time डिफरेंशिएशन, मतलब ऑर्डर तो 2 बनेगा, तो हमारा जो आंसर है वो ये होगा या फिर ये होगा। अब आप ये देखो डिग्री जो है ये डिग्री कभी भी अपॉन में नहीं होता है ना, ये कैसा होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, कैसा होता है ये, नेचुरल नंबर। क्लियर हुआ, समझ आ रहा है आपको, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्या हो रहा है ना, तो यहां पर बात क्या है उसको समझिए आप लोग जरा ध्यान से, एक मिनट इसका जरा हाइलाइटर चेंज कर दूं मैं, कस्टम पेन ब्लू थिकनेस टिप, इसका क्या चक्कर है अभी, ये ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं हो पाएगा इसका, नहीं हो पाएगा कुछ भी, चलो मोड का क्या है, फ्री फॉर्म सेलेक्टिव यूज की डिले एडिट विद पेंट 3D, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो डिग्री की बात करनी थी हमें, है ना, तो डिग्री की बात कैसे करेंगे हम लोग, पहले हमें देखना पड़ेगा ऑर्डर, तो वैसे तो आपको दिख रहा है कि ये आंसर है नहीं, इन दोनों में इसने ऑर्डर गलत दे रखा है, तो आंसर तो सी बनता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं, ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड का होल स्क्वायर कर देंगे,
दोनों साइड का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ। ठीक है, बस हो गया। अब ऑर्डर भी टू है, डिग्री भी टू है, ऑर्डर भी टू है, डिग्री भी टू है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब इसको देखें आप, इसमें क्या बोल रहा है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन क्वेश्चन सेम है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, तो फिर क्या कहें, डिफरेंशिएशन देखो कितनी बार किया गया है यहाँ पर, मैक्सिमम टू टाइम्स डिफरेंशिएशन किया हुआ, ये तो वन टाइम डिफरेंशिएशन ये तो काम नहीं करेगा, है ना। तो हाईएस्ट टू टाइम यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया गया है, तो ऑर्डर हो जाता है टू, तो ऑप्शन अपना बनेगा फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ अभी हम नहीं कह सकते, फोर्थ को अपनी लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं बने तब क्या होगा, है ना। चलो तो अब बात करते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, इसके अंदर कोई वन बाय टू वन बाय थ्री टाइप का तो आ नहीं रहा है, तो सिंपल सी बात है, ऑर्डर भी टू दिखाई दे रहा है आपको, डिग्री भी टू दिखाई दे रही है, मतलब इसका आंसर जो है हमारा ए बनेगा। क्लियर हुआ, और ये भी क्लियर रखो, पहले वो हमेशा पूछ रहा है क्या, ऑर्डर, फिर उसके बाद क्या है, डिग्री, तो पहले जो आपका आंसर होगा वो ऑर्डर का होगा, कॉमन लगा के जो दूसरा आंसर बनाओगे वो डिग्री का होगा। अभी क्लियर हुआ क्या, ठीक है ना, हाँ टू टू आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है आपकी। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया अच्छे से, है ना। अब ये देखिए आप, इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, इसको देखिएगा, क्या पूछ रहा है आपसे यहां पर, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां देख सकते हो आप, फोर टाइम्स डिफरेंशिएशन किया हुआ है, थ्री टाइम्स भी किया हुआ है, टू टाइम्स भी किया हुआ है, वन टाइम भी किया हुआ है, तो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार किया हुआ है यहां पर, फोर टाइम्स, तो ऑर्डर कितना बनेगा यहाँ पे, फोर, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, इसको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन उसके आगे की बात करें अगर हम लोग डिग्री की, तो डिग्री भी यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है, वन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्लियर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, केवल ऑर्डर की बात कर रहा है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में भी दे दिया इसने, तो डिनोमिनेटर को पहले यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखो जरा ध्यान से, y dy by dx into dy by dx plus dy by dx का होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। अब आप ये देखो, यहां क्या बनेगा, जब इसका मल्टीप्लीकेशन करूंगा मैं, तो वाई डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डीवाई बाई डी एक्स की होल पावर फोर, ऐसे बनेगा, बनेगा ऐसा। ठीक है, अब आप देख लो, यहां से ऑर्डर पूछ रहा था ये आपसे, तो ऑर्डर तो क्या रहेगा, वन, और अगर इसी क्वेश्चन में डिग्री भी पूछता है तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, डिग्री के टाइम पे आंसर बनेगा फोर, डिग्री हो जाएगी फोर और ऑर्डर हो जाएगा कितना, वन, तो ऑर्डर और डिग्री दोनों क्लियर हो गए। क्लियर है, समझ आया सबको अच्छे से, चलो ये तो हो गया क्लियर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, तीन क्वेश्चन है मेरे सामने, एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप उसको देखो ध्यान से, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से क्या पूछ रहा है आपसे, ऑर्डर, है ना, फिर से क्या पूछ रहा है आपसे, ऑर्डर। तो यहां ध्यान दो, ये है सर्कल की इक्वेशन और ये डिपेंड करता है जी एफ और सी पर। ठीक है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स यहां पर अगर मैं बात करूं तो वो है तीन, जी एफ और सी। ठीक है,
जो बदलना चाहते हैं। अगर इनकी वैल्यू हमने बदली तो सर्कल बदल जाएगा। अगर हमने सर्कल का सेंटर बदल दिया तो सर्कल बदल जाता है। अगर हमने रेडियस बदल दी तो सर्कल बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस ए, और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये होता है। तो अगर आपने किसी भी एक वैल्यू को बदला, जी को बदला तो भी सेंटर बदलता है, एफ को बदला तो भी सेंटर बदलता है, सी को बदलते हैं तो रेडियस बदलती है। तो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स यहां पर नजर आ रहे हैं मुझे कितने, 3। तो जितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स उतना होता है ऑर्डर, ठीक है, जितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स उतना होता है ऑर्डर, ठीक है, जितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स उतना होता है ऑर्डर। क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? जितना आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स उतना होता है ऑर्डर। अभी क्लियर हुआ क्या मनीष? नहीं, मिश्रा, अमित, अब ये देखो क्या कह रहा है यहां पर, ये कॉन्स्टेंट्स नहीं कहेंगे हम, उसको कहेंगे क्या, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट मतलब क्या, जिनकी वैल्यू बदलेगी अलग अलग कंडीशन में, तो कर्व अलग अलग होंगे, ठीक है, जैसे सर्कल है तो सर्कल अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगा ना, फिर सेंटर अलग होगा, रेडियस अलग होगी ना, ऐसे। अब यहां आ जाओ नेक्स्ट, देखो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस आर एंड हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ध्यान से देखो, इस तरह के सर्कल्स हैं, ये एक सर्कल हुआ, ठीक है, ये दूसरा सर्कल हुआ, ये तीसरा सर्कल हुआ, ये सारे सर्कल्स हैं। इन सभी सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पर है और इनकी रेडियस आप देख सकते हो अलग अलग है, लेकिन सबके सब पासेस थ्रू कहाँ है, सबके सब पासेस थ्रू ओरिजिन है, सारे के सारे सर्कल जो है वो ओरिजिन पर पास करते हैं। इसकी अगर मैं इक्वेशन लिख के दिखाऊं आपको, है ना, पहले तो कंडीशन बता देता हूं मैं आपको, इसका सेंटर जो होगा, इसका सेंटर जो होगा वो क्या रहेगा, 0, r, और यहां पर h जो है वो 0 हो गया है, k जो है वो r के इक्वल हो गया है, तो आपका जो सेंटर का सर्कल का इक्वेशन था x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान दीजिए, x माइनस h, h मतलब 0 होगा होल स्क्वायर प्लस y माइनस k मतलब r हो गया, ये इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो आप देख सकते हो कि यहां पर केवल एक ही वेरिएबल है, जितने होते हैं वेरिएबल आर्बिट्री कॉन्स्टेंट जितने होते हैं उतने ही आपको क्या करना पड़ता है, उतनी ही बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। समझ आए? जितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स उतनी बार डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है, जितने हुए आर्बिट्री कॉन्स्टेंट उतनी बार डिफ्रेंशिएशन करो। अभी क्लियर हो गया सब तक से, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनके बाहर जाएगा और आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज दिस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ए बदलेगा तो कर्व बदलेगा, बी बदलेगा तो कर्व बदलेगा, और सी बदलेगा तो भी कर्व बदलेगा, सी बदलेगा तब भी कर्व बदलेगा। तो क्या करूं मैं फिर इसके लिए, सिंपल सी बात है, आपको ऑर्डर पूछा है तो जितने होते हैं आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स बस हो गया, उतना ही रहेगा, ठीक है, जितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होंगे उतना ही रहेगा। ये क्लियर हो गया सबको, समझ में आया ये अच्छे से, है ना? ये देखो क्या है बेटा, मन लगा के पढ़ो ना तो ये बेनिफिट मिलता है, एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मतलब मेरी क्लास आप जो आज ले रहे हैं, इस क्लास में आपका बिल्कुल भी समय खराब नहीं होगा, आपको 100% रिजल्ट में कन्वर्ट होके जाएगा ये रिजल्ट आपका, ठीक है, ये जो है टाइम आपका 100% रिजल्ट में कन्वर्ट होगा, मतलब आप यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे, ठीक है, ना कि वो एक नमूने जैसे जो आपने देखा अभी आया था बेचारा गेट वे सुन,
है ना, ओम जी यादव नाम भी याद करवा दिया। देखो ये होते हैं डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स, सबके परिवार में भी होते हैं इस तरह के एलिमेंट्स, एक आध एक आध तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, एक्सेप्शनल केस जो केवल इरिटेट ही करता है जिंदगी, परेशान करता रहता है जिंदगी में। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स रेडियस जिसकी ए हो उसका क्या ऑर्डर होगा। सर्कल बहुत सारे हैं लेकिन बस उसने आपको एक ही इंफॉर्मेशन जो है नोन कर दी, वो है ए। मतलब ए बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा, मतलब सेंटर जो है सर्कल का वो हमें मतलब नहीं है कि क्या होता है उसका, हमें मतलब ये है कि उसकी रेडियस जो है वो ए रहनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप देखो कि सेंटर एच के है वो फिक्स है मान लो, और ए बदल रहा है, तो ए के बदलने से क्या होगा, ए के बदलने से क्या होगा? नहीं बेटा देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में जैसी कंडीशन दी जाती है उसके हिसाब से सोचना चाहिए हमेशा। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स जिनके की केवल वो रेडियस ए बता रहे हैं, उन्होंने एच और के बारे में कुछ भी क्लियरिटी नहीं दी है, तो हम इनको आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं बोल सकते। ठीक है, जो क्वेश्चन में हिंट करेगा वो आपको वो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट साफ नजर आएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में वो हिंट करेगा, हाँ केवल रेडियस बदलेगा, सेंटर वही रहेगा फिक्स, रेडियस बदलेगा, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां क्या कह रहा है वो आपसे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टच द क्वाड्रेंट एक्सेस, मतलब दोनों एक्सिस को टच करता है, दोनों एक्सिस को टच करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों एक्सिस को टच करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये जो है ये क्या हो गया, एच इज इक्वल टू के इज इक्वल टू आर, ऐसा हो जाएगा ये। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना और दोनों को टच करता है, जितना ये एच होगा उतना ही तो आर होगा, जितना ये के होगा उतना ही क्या होगा, आर होगा। तो एच के और आर तीनों आपस में इक्वल होंगे, एच के और आर तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो यहां पर फिर से वही कहूंगा मैं कि ऑर्डर कितना होगा, मतलब इसके आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स की नंबर कितनी है, वन, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। बेटा आर्बिट्री कॉन्स्टेंट तीन कहाँ है इसमें, कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें अगर तो तीन कहाँ है, एक ही तो है आर्बिट्री कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि एच और के और आर तीनों इक्वल हो गए, इसलिए यहां पर एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, केवल एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है यहाँ पर, क्लियर हो गया सबको, समझ आ गया, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। चलो ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री के ऊपर आज हमने काफी सारी बातें कर ली, अभी जो मैं आपको स्पेशल क्लास लूंगा वो स्पेशल क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है, और उसके हम लोग कई सारे क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग मेरे साथ जुड़िएगा 2:30 पर, 2:30 पर आप लोग मेरे साथ जुड़िए और हम लोग वहां पर बात करेंगे स्पेशल क्लास में। ठीक है, स्पेशल क्लास में आप लोग जुड़िए, वहां पर हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल सेपरेबल और उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है बेटा, एक बार में सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर दिए मैंने, ऑर्डर और डिग्री के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर कर लिए मैंने, क्लियर है सबको, समझ आ गया अच्छे से। चलो आगे बढ़ते जाते हैं और इसके बाद हम लोग स्पेशल क्लास में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू बेटा सब लोगों को।